पीपल स्टूडेंट फेडरेशन जो है यूएमटी की इंतजामिया के उचित कंडों को और उनकी स्टूडेंट दुश्मन पॉलिसीज को भरपूर कंडेम करती है और जो उन्होंने जुल्म बर्बरियत जो उन्होंने एजुकेशन को वहां पे कारोबार बना लिया है और स्टूडेंट से हर अमाउंट की कोशिश होती है कि हम कुछ ना कुछ पैसे बटोरते रहे, उनके इस तमाम इकदाम की पुरजोर मजम्मत करते हैं, उनको कंडेम करते हैं। और हमारी जो चार डिमांड है उसमें हमारी पहली डिमांड ये है कि जो 50 स्टूडेंट उन्होंने सस्पेंड किए हैं उनको फौरी तौर पर रिवाइव किया जाए, क्योंकि यूएमटी कुछ नहीं होती जो बच्चों को जो इससे काग लेकर उन्होंने सियासत करनी है कि नहीं करनी है। ये पाकिस्तान का आयन हर बंदे को हर नौजवान को हक देता है कि अपने एक्सप्रेशन का इजहार कर सके। हमारी दूसरी डिमांड ये है कि अगर अदारा अपनी पॉलिसी वाजह करने में कंफ्यूज है तो उसे हम पॉलिसी वाजह कर दें कि अगर पेपर अगर क्लासेस ऑनलाइन ली गई है तो पेपर भी ऑनलाइन होने चाहिए, अगर क्लासेस फिजिकल होनी है तो पेपर भी फिजिकल होने चाहिए। अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ये पॉलिसी वाजह कर सकती है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ये पॉलिसी वाजह करने में क्यों कन्फ्यूज है, जबकि इस पैंडेमिक के जमाने में लोग एक एक रुपये खर्च करने को कमाने को तरस रहे होते हैं और जो ज्यादातर तबका आपका हॉस्टलाइट्स है यूनिवर्सिटीज के अंदर उनको यहाँ पे आप 3-4 दिनों के लिए बुलाने के बाद, वैसे भी आपके समर वेकेशन शुरू हो जाएंगे तो यहाँ पर बुलाने के बाद उनको यहाँ पे 5 दिन के लिए उनको पूरे महीने का रेंट देना पड़ेगा, 2-3 महीने के जब रेंट देंगे तो वो एक स्टूडेंट तबके मुतवसित तबके के लिए ये एक बर्डन आपको क्रिएट कर रहे हो। तो बजाय इसके कि 5 दिन के लिए आप उनको यहाँ पे लाके एंगेज करो, वो पहले ही अपने मसाइल नेट कनेक्टिविटी के मसाइल वो लोग वहां पे उसको बहाल कर चुके हैं। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये इंटीमिडेट करना चाहते हैं कि 5 दिन के लिए मजीद उनको 2-3 महीनों के लिए बर्डन क्रिएट फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट करने की बजाय उनको मेट एंड पीस आप लोग प्रोवाइड करें। उनके अपने इलाकों में वो लोग चीजें सारी एकोमोडेट कर चुके हैं, फैसिलिटेट वो अपनी कर चुके हैं, तो यहाँ पर बुलाने की इन लॉजिकल चीज को हम मुकम्मल तौर पर डिनाई करते हैं और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि यूनिवर्सिटी से कि वो इस जो आप लोगों ने नोटिफिकेशन की है स्टूडेंट को हम बुला रहे हैं उसको फौरन रिवर्स किया जाए। स्टूडेंट की फीसों में इजाफा किया गया है, बहुत ज्यादा फीसों में इजाफा किया गया है, ये नहीं होनी चाहिए। हमारे मुल्क में जो मौशी हालात चल रही है, गुर्बत का हम सामना कर रहे हैं, इसके होते हुए भी स्टूडेंट्स के फीसों में इजाफा किया गया है। बहुत सारे जो पेंडेमिक में स्टूडेंट्स हैं उनके घरों में मौशी हालात बहुत सारे फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, उसके होते हुए भी आप लोगों ने फीसों में इजाफा किया गया, इस चीज के भी हम कंडेम करते हैं और ये चीज भी हल होनी चाहिए। और एक हमारा जो है डिमांड ये है कि जितने भी एक्सपेंसेस लिए गए हैं फीस के नाम पर और स्पोर्ट्स फंड और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर, पिछले 6 माह में किसने ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल की, किसने स्पोर्ट्स फंड पे पैसे खाए और कितने स्पोर्ट्स फंड पे पैसे लगे उसका हिसाब किया जाए, जितने आपके एक्सपेंसेस हैं यूनिवर्सिटीज के कॉलेजेस के वो रखे जाए और उसके अलावा जितने भी पैसे हो वालदैन को उस मार्जिन के हिसाब से वापस किए जाए। यूएमटी की इंतजामिया को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जितने भी पॉलिसीज अगर उन्होंने खत्म ना किया तो ये सिर्फ यूएमटी के स्टूडेंट की सर्वाइवल का सवाल ही है, पूरे लाहौर के स्टूडेंट जो है वो अपने यूएमटी के साथियों के साथ खड़े हैं। पीपल स्टूडेंट फेडरेशन का हर नौजवान जो है यूएमटी के स्टूडेंट के साथ खड़ा है और अगर इन्होंने हमारी ये चार डिमांड ना मानी तो हम वहां पर हमें दमादम मत कर अंदर करना पड़ा था वो भी करेंगे और जो सिक्योरिटी जल्द से उन्होंने बदमाशों की जरूरत वहां पर खड़ी की है जो दिन और रात में वहां पर प्राइवेट हॉस्टलों में जाकर वो वहां पर पुलिसिंग कर रहे हैं और लोगों को बच्चों को थ्रेट कर रहे हैं वायरल निकल सके, हम इस तमाम थ्रेट को कंडम करते हैं और हम अपने हाथ लेने के लिए आएंगे और यूएमटी की इंतजामिया को हम ये लास्ट वार्निंग दे रहे हैं कि हमारी मुतालबात को माना जाए वरना हम हर सूरत हर ऑप्शन पे हम आगे तक अपने स्टूडेंट साथियों के साथ अपने कॉमरेड के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े होंगे।